नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। लिखेंगे ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयटा बी और एक्स प्लस आयटा वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कर रहा है दोस्तों कि वैसा नंबर जिसको हम लोग एक्सप्रेस किसके फॉर्म में कर सकते हैं, ए प्लस आयटा बी और एक्स प्लस आयटा वाई के फॉर्म, इस दोनों में से किसी के फॉर्म में, या तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में या एक्स प्लस आयटा आयटा वाई के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई जेड। जेड से दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब एग्जांपल के लिए दोस्तों समझिए यहाँ पे कि मान लीजिए कि जेड इक्वल टू हम लोगों को दिया गया है एक्स प्लस आइटा वाई। तो देखिए x जो है क्या है, रियल पार्ट है। यहाँ पे देखिए x क्या है, रियल पार्ट, और ये y जो है इमेजिनरी पार्ट है। दूसरा एग्जांपल समझिए, सेकंड एग्जांपल में जैसे मान लिया हम लोग कहते हैं कि 2 प्लस 3i है। देखिए दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 प्लस 3i है, तो ये किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है, और ये क्या है, बी का वैल्यू है। समझिए कि एक्स है, ये क्या है, वाई है, और ये क्या है, आई है। यहाँ पर एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा वाई, तो ये समझिए कि एक्स है, आई तो आई है ही, यहाँ पर वाई की जगह पर क्या है, थ्री है। तो यहाँ कोई आपसे पूछ रहे रियल पार्ट क्या, बताओ कितना है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट है हम लोगों को 2, और इमेजिनरी पार्ट कितना है जिसमें आई लगा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, 3 है। आई है दोस्तों, ये आप लोग समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आई जो होता है दोस्तों, आई क्या होता है, आयोटा होता है, आई फॉर आयोटा। इसका दोस्तों आप लोगों को वैल्यू कुछ याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे पहला वैल्यू इसका होता है कि आई इक्वल टू होता है रूट अंडर माइनस 1, सेकेंड होता है आई स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस 1, थर्ड में होता है आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई, एंड फोर्थ आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1। ये दोस्तों चार वैल्यू आप लोग याद रखना है कि आई इक्वल टू होता है रूट अंडर माइनस 1, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई, एंड आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1। आई होप दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कभी दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा कि वैसा नंबर जिसको हम लोग ए प्लस आयोटा बी या एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। उसको जेड से इंडिकेट करते हैं, जैसे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और वाई क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का मतलब हो गया आई का कोफिशियंट। ओके, अब यहाँ पर देखिए जैसे 2 प्लस 3i था, 2 क्या था, रियल, और 3 क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और आई क्या होता है, आयोटा होता है, जिसका वैल्यू ये होता है। आई होप दोस्तों इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दोस्तों इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5 है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है हम लोगों को इवेल्युएट करने के लिए, इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया आई टू द पावर 19, सेकंड पार्ट दिया गया आई टू द पावर 62, थर्ड दिया गया आई टू द पावर 373। अब दोस्तों देखिए हम लोगों को पहला पार्ट से मिल रहा है कि जैसे आई का पावर हम लोग कोई नंबर यहाँ पर दिया रहेगा, उसका वैल्यू कहेगा निकालने के लिए। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आई का पावर 19 है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए पावर कितना है, 19 है, तो यहाँ पर 19 यहाँ पर लिख लेंगे, और 19 को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों दोस्तों, समझिए यहाँ पे कि आई का पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, तो 4 से कैलकुलेट करना दोस्तों आसान है, क्योंकि 1 से कैलकुलेशन हम लोगों को ईजी हो जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले जितना पावर दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से उसको डिवाइड करेंगे, तो 4 से इसको डिवाइड करें, दिया जाएगा 4 4 या 16, बचेगा रिमाइंडर 3। तो आप आई का पावर 19 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई का पावर 4, अब 4 का पावर जो यहाँ पे क्वेश्चन बचा है 4 इंटू
तो लिखिए आई, आई का पावर यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा यहाँ पे 3। फिर से दोस्तों यहाँ समझिए कि आई का पावर 19 था, तो पहले क्या लिख दिया, आई का पावर 4 लिख दिए। इसका पावर लिखे यहाँ पे जो यहाँ पे कोएफिशिएंट बचा है 4 इंटू आई का पावर कितना, जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है। इसको इतना लिख सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे, क्योंकि पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो जाएगा आई का पावर 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 इंटू आई का पावर यहाँ पे 3। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाए, ऐड हो जाएगा, तो आई का पावर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए आई का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ बताए हैं कि आई का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसके जवाब क्या कीजिए, 1 लिख दीजिए। तो 1 का पावर 4 इंटू आई क्यूब, आई क्यू का वैल्यू कितना होता है, आई क्यू का वैल्यू होता है माइनस आई, तो आप लिख दीजिए माइनस आई। बगल में आप लिख लीजिए कि सिंस आई टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का पावर 4 तो 1 इंटू माइनस आई, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कभी भी आयोटा का पावर कुछ भी रहेगा, कोई नंबर है, तो हम क्या करें, पहले उसको 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, आई का पावर 4 लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चेंट बचा है उसको लिखेंगे इंटू आई का पावर जो यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा उसको लिखेंगे, सॉल्व कर देंगे, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, देखिए सेकेंड पार्ट में हम लोगों को दिया गया है आई टू द पावर कितना दिया गया, 62 दिया गया। प्रोसेस यहाँ पर सेम, अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर 60, देखिए पावर कितना 62 है, तो 62 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से पहले डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा 4 बन जाए 4, ये 2, यहाँ पे 22, 4 5 जा 20, रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे 2। अब दोस्तों आप इसको कैसे ले सकते हैं, आई का पावर 62 कैसे ले सकते हैं, बताइए आई का पावर 4, 4 का पावर यहाँ पे जो क्वेश्चेंट है यानी कि 15 इंटू आई का पावर जो रिमाइंडर है। आगे देखिए आई का पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। तो हो जाएगा 1 का पावर 15 इंटू आई स्क्वायर, देखिए दोस्तों आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस 1 होता है, यहाँ माइनस 1 लिख लीजिए, तो हो जाएगा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो 1 का पावर 15 तो हो जाएगा 1 इंटू ये माइनस 1, तो फाइनली इसका रिजल्ट 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 1। यही दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। और इसका थर्ड पार्ट देखिए, अब दोस्तों देखिए इसका थर्ड पार्ट दिया गया, आई का पावर कितना दिया, 373 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले पावर जो है 373 इसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा 4 9 जा 36, रिमाइंडर हो गया 1 और यहाँ पे ये 3, ये 4 3 जा 12, यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कि यहाँ पे फाइनल रिमाइंडर कितना बचा है, 1 बचा है यहाँ पे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आई का पावर 373 तो आई का पावर 4, 4 का पावर जो यहाँ पे क्वेश्चेंट है यानी कि 93 इंटू आई का पावर जो यहाँ पे रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है यहाँ पे, 1। आई का पावर 4 कितना होता है, 1, तो 1 का पावर 93 इंटू ये हो गया आई। आगे देखिए, तो 1 का पावर 93 हो गया ये 1 इंटू आई, इसका दोस्तों फाइनल वैल्यू हो जाएगा आई हो जाएगा। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।